आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिटकॉइन से ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। आपने कोई क्वाइन को बाय किया है, सेल किया है, या पी टू पी से कोई ट्रांजेक्शन की है, या कोई डिपॉजिट किया है, विदड्रॉल किया है, इस सारी की सारी हिस्ट्री आप मोबाइल ऐप से कैसे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, जैसे एक साल पुरानी, दो साल पुरानी अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो गाइज, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन से ट्रेडिंग हिस्ट्री निकालने पर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप कुकॉइन से ट्रेडिंग हिस्ट्री कहाँ से निकाल सकते हैं, ओके से एक्सचेंज से कहाँ से निकाल सकते हैं, बाइनेंस से कैसे निकाल सकते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि आप बिटकॉइन से ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास बिटकॉइन की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, और ये देखें मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया या वेरीफिकेशन में कोई इशू आ रहा है, तो मेरी वीडियोस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर कोई भी इशू आ रहा है आपके पास वेरीफिकेशन में, अकाउंट बनाने में, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको मैं बैक आ जाता हूँ। तो ट्रेडिंग हिस्ट्री देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना एसेट पे। जैसे ही एसेट पे आएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओवरव्यू सिलेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें स्पॉट है, मार्जिन है, फ्यूचर है। अब यहाँ पे आप कौन सी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप स्पॉट की देखना चाहते हैं तो ये देखें ऊपर बटन बना हुआ हिस्ट्री का, इसके बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अगर आप मार्जिन की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं, फ्यूचर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं, इस तरह ये सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। फंडिंग में क्या होता है, पी टू पी हिस्ट्री भी इसमें होती है फंडिंग में। तो सबसे पहले हम स्पॉट पे आते हैं, स्पॉट के बटन को प्रेस करके मैं यहाँ पे आता हूँ हिस्ट्री के बटन पे। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ हिस्ट्री का बटन, ये देखें जैसे ही मैंने हिस्ट्री का बटन प्रेस किया तो ये ट्रांजेक्शन कुछ मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो फिल्टर सिलेक्टेड है वो ऑल सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखें कौन से क्वाइन की आपको चाहिए, मैं चाह रहा हूँ भाई सारे क्वाइन की चाहिए। और अगर यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो किस टाइप की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको चाहिए, ट्रांजेक्शन चाहिए, डिपॉजिट चाहिए, विदड्रॉवल, ट्रांसफ़र, स्ट्रेटजी, सारी किस्म की यहाँ पे आ रही हैं। ट्रांजेक्शन में होती है बाय और सेल की। जैसे मैं ट्रांजेक्शन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक और फिल्टर आ गया, बाय है, सिलेक्ट है, और ट्रांजेक्शन फी डिडक्ट जितनी हुई है वो है। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ बाय की, तो बाय पे देखें यहाँ पे मेरे पास एक ही हिस्ट्री आ रही है जो मैंने आज ही परचेस किया था ये क्वाइन, ठीक है। और ऊपर डेट लिखी हुई है कहाँ से कौन सी डेट तक की हिस्ट्री है। अगर मैं इस टाइम के बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें लास्ट 7 डेज का आ रहा है फिल्टर। अगर मैं 30 दिन की देखना चाहते तो उस पर प्रेस करें, अगर 90 डेज की देखना चाहते तो यहाँ पर प्रेस करें, ठीक है। अब 90 डेज में जितने भी मैंने बाय किए हैं उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पर आ गई। अगर आप सेल की देखना चाहते हैं तो ये सेल की आ गई, ये सेल की सारी मेरे पास आ गई है, कौन सा क्वाइन कब मैंने सेल किया था। अगर ऑल करेंगे तो ऑल के हिसाब से भी ये यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने कब कब डिपॉजिट किया था, विदड्रॉल किया था, तो यहाँ पे आके फिल्टर पे सिलेक्ट करें डिपॉजिट, ये देखें डिपॉजिट की हिस्ट्री आ गई। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ विदड्रॉवल तो विदड्रॉल की हिस्ट्री आ गई। अगर इनको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें टाइम के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है लास्ट 90 डेज की। अगर आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री 90 डेज से भी पुरानी है और वो यहाँ पे शो नहीं हो रही तो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी पहले हम चलते हैं यहाँ पे फंडिंग पे। अगर आप मार्जिन की चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से मार्जिन की कर ले, ठीक है। फ्यूचर की करना चाहते हैं तो यहाँ से फ्यूचर की कर ले। अब मैं देखना चाहता हूँ मैंने पी टू पी से कब क्वाइंस बाय किए थे और कब सेल किए थे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फंडिंग में। फंडिंग में आप हिस्ट्री पे, अब देखें मेरे पास कोई भी हिस्ट्री नहीं दिखा रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 7 डेज की दिखा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ पिछले 3 महीने की मुझे दिखा है। को प्रेस करें लास्ट 90 डेज कंफर्म। अब देखें 90 डेज में यहाँ पे आ गया पी टू पी सेल मैंने किए थे USDT, उसकी ये हिस्ट्री आ गई। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप अपने केस से USDT सेल कर सकते हैं, वो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। अब फ्रॉम स्पॉट टू फंड्स मैंने ट्रांसफ़र किए थे, पी टू पी से बाय किए थे, ये हिस्ट्री भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आप ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं अपनी ट्रेडिंग की पी टू पी की। तो यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो सिर्फ 90 डेज तक की हिस्ट्री दिखा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पुरानी हिस्ट्री है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो इससे भी पुरानी हिस्ट्री देखने के लिए आपको बिटकॉइन को ओपन करना होगा अपने लैपटॉप पे, या आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल पे बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको ओपन करना है bitkit.com, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिटकॉइन की। यहाँ पे कोई भी आपको और वेबसाइट नहीं खोलनी है, आपको ध्यान से देखना है कि यही वेबसाइट आपने ओपन की हुई है, और यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, जीमेल से मेरा अकाउंट लॉगिन करूँगा।
ठीक है, तो ये मैंने अपने पास बिटगेट का अकाउंट ओपन कर लिया है, लॉगिन हो गया मेरा अकाउंट। उसके बाद आपको इस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे देखें ऑर्डर्स और एसेट, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऑर्डर्स पे और यहाँ पे देखें सारी आ रही है स्पॉट ट्रेड्स, मार्जिन ट्रेड्स, फ्यूचर ट्रेड्स, आपको प्रेस करना है स्पॉट ट्रेड्स पे। जैसे ही आप स्पॉट ट्रेड पे आएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखें ओपन ऑर्डर्स दिखा रहा है। अब ओपन ऑर्डर्स मेरे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे आपको इस बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखें स्पॉट ऑर्डर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इसको प्रेस करें। अब यहाँ पे है ओपन ऑर्डर्स और ऑर्डर हिस्ट्री, मुझे यहाँ पे चेक करनी है अपनी ऑर्डर हिस्ट्री, तो उसको प्रेस करें। तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे रिसेंट ऑर्डर हिस्ट्री दिखा रहा है और यहाँ पे देखें बेस है और क्वेट है। बेस में ये है कि आप कौन से पेयर की ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ टोटल, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया टोटल। ठीक है, अब जो मेरे पास रिसेंट ट्रेड हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ग्रेप यूएसडीटी का मैंने कॉइन बाय किया था, अमाउंट इसका इतना था, प्राइस इतनी थी, सोर्स ये थी, स्टेटस ये है, यहाँ पे ये सारी हिस्ट्री दिखा रहा है। अगर उसके बराबर में देखेंगे यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है और फिल्टर का बटन आ रहा है। अगर आप फिल्टर के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें पहले बटन पे आ रहा है लिमिटेड, मार्केट ऑर्डर, ट्रेडर ऑर्डर, किस टाइप का ऑर्डर यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ लिमिटेड ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो है। यहाँ पे हमने पीआरबी टोटल टोटल सिलेक्ट कर लिए, कितने दिन पुरानी हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, चाहे लास्ट 3 मंथ्स और कन्फर्म। अब 3 महीने में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं की है, मैंने 1-2 पॉइंट बाय किए थे, जैसे ग्रेप यहाँ पे आ रहा था, अब वो यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट करें हिस्ट्री को, एक्सपोर्ट के बटन को करते हैं प्रेस। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितनी पुरानी आपको ट्रेड हिस्ट्री देखनी है, लास्ट 24 आवर्स, 7 डेज, 30 डेज, लास्ट 90 डेज या ओवर 90 डेज। ओवर 90 डेज मतलब 3 महीने से भी पुरानी, मैं करता हूँ ओवर 90 डेज और ये 3 महीने बाय डिफॉल्ट ने सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं जिस 3 महीने की आप देखना चाह रहे हैं, मगर 3-3 महीने की ही आपको सिलेक्ट करनी है। और नीचे देखें ये भी लिखा हुआ है कि ईच यूज़र कैन एक्सपोर्ट अ 7 डेज ऑफ डेटा अप टू 10 टाइम्स पर मंथ, मगर इन्होंने यहाँ पे 3 महीने का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैंने वही सिलेक्ट किया है। ट्रेडिंग पेयर आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ टोटल। और यहाँ पे किस टाइप में आपको डेटा चाहिए, एक्सेल फॉर्म है या CSV है, मैं चाह रहा हूँ एक्सेल में सही है। मैंने अभी तक एक भी इस महीने जनरेट नहीं की तो मेरे पास 10 रिमेनिंग आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जनरेट पे। अब यहाँ पे जो हिस्ट्री जनरेट हो रही है वो डिपेंड करती है आपकी हिस्ट्री कितनी बड़ी है, समटाइम्स में 24 आवर्स भी लग जाते हैं, समटाइम्स 1 घंटे में भी हो जाती है, समटाइम्स आपको 10 मिनट में भी हो जाती है। उसकी आपके पास ईमेल भी आ जाएगी और वापस यहीं पे आके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास ईमेल आ गई है कि डेटा एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको वही स्टेप करने होंगे और वहीं से डाउनलोड होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास खुला हुआ है ऑलरेडी, एक्सपोर्ट के बटन को मैंने प्रेस किया और यहाँ पे देखें ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैं इसको करता हूँ यहाँ से डाउनलोड। तो देखें इस तरह की शीट आपके पास आ जाएगी जिसमें सारी की सारी जितनी भी आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। मैंने बिटकेट पे अभी कोई भी ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं की है तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री शो नहीं कर रहा है, अगर आपने की होगी तो उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। उम्मीद है यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आप बिटकेट से ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं और ओवर 90 डेज पुरानी आप ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।